इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंटीलिया मामले में स्कॉर्पियो इनोवा के बाद अब एक मर्सिडीज भी मिली है। एनआईए को इस कार से ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये पूरा केस 360 डिग्री घूम गया है। एपीआई सचिन वाजे इस मर्सिडीज कार का इस्तेमाल करता था। इस कार से पुलिस को स्कॉर्पियो गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है जिसे एंटीलिया के पास विस्फोटक के साथ छोड़ा गया था। अब एनआईए मास्टरमाइंड के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का गॉडफादर कौन है। पुलिस का एपीआई सचिन वाजे मोहरा है या मुजरिम? अगर मुजरिम है तो सचिन वाजे का गॉडफादर है कौन? एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो और इनोवा के बाद अब ब्लैक मर्सिडीज की एंट्री। एनआईए की जांच से टेंशन में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। आतंकी साजिश समझकर जिस एंटीलिया केस की जांच एनआईए कर रही है उस केस में मुंबई पुलिस के इस चेहरे पर एनआईए की पकड़ मजबूत होती जा रही है। एंटीलिया केस की जांच हर रोज जबरदस्त करवट बदल रही है। कल रात महाराष्ट्र सरकार ने बैठक बुलाई थी, सीएम के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, डीजीपी और सीपी के साथ 2.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बाहर निकलने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मुंबई पुलिस की भूमिका पर कई अहम चर्चाएं इस बैठक में हुई। मुंबई पुलिस की भूमिका साथ ही साथ जिस तरह से सचिन वाजे केस को ऑपरेट कर रहे थे उस केस को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही साथ एनआईए की तफ्तीश जिस दिशा में चल रही है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो कार मिली थी, साथ ही साथ आज अहम भूमिका जिस तरह से सचिन वाजे की रही है इस केस को लेकर, उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक आज सुबह 10 बजे होनी है। ये बैठक तब बुलाई गई थी जब स्कॉर्पियो और इनोवा के बाद सबूत जुटाने निकली एनआईए की टीम को एक काली मर्सिडीज कार का पता चला। ये कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी जिसे एनआईए ने कब्जे में ले लिया है। कार की जांच हुई तो एनआईए की टीम के होश उड़ गए। मर्सिडीज कार के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कैश मिले, कैश गिनने वाली मशीन मिली, कार के फर्जी नंबर प्लेट्स, एक पैंट शर्ट और एक बोतल में किरोसिन मिला। इस बात की पुष्टि एनआईए के अधिकारियों ने इंडिया टीवी को की है और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें पीपी किट नहीं मिला है। संभव है कि जो केरोसिन की बोतल अंदर मिली है उस केरोसिन का इस्तेमाल करके उस पीपी किट को जला दिया गया हो, इस तरह की भी जानकारी है। बताया जा रहा है कि इसी मर्सिडीज कार में मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की मुलाकात हुई थी। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि सचिन वाजे ने कैसे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। बेंज को सीज किया है जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है, 5 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। एपीआई रैंक के पुलिसकर्मी सचिन वाजे के पास मर्सिडीज जैसी महंगी कार कैसे आई, इसकी जांच भी एनआईए कर रही है। जो मर्सिडीज कार एनआईए ने जब्त की है उसके पहले मालिक महाराष्ट्र के धुले जिले का रहने वाला एक बिजनेसमैन है। इंडिया टीवी ने मर्सिडीज के पहले मालिक सारांश भावसार से बात की। सारांश ने बातचीत में दावा किया कि मर्सिडीज उनकी ही है लेकिन फरवरी 2020 में उन्होंने बेच दी थी। सारांश ने बताया कि उन्होंने एक कार कंपनी को अपनी कार बेची थी। सचिन वाजे के पास ये कार कैसे पहुंची इसकी जानकारी नहीं है। कार की मिस्ट्री के साथ साथ कार के अंदर पैंट शर्ट की मिस्ट्री भी एजेंसियों को सुलझानी है। जांच एजेंसियों को शक है कि कार में मिले पैंट शर्ट को ही पहनकर सचिन वाजे एंटीलिया के पास पहुंचा था। ये तस्वीर 25 फरवरी की रात की है जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसने पीपीई किट पहन रखा था। लिहाजा सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि पीपीई सूट के अंदर सचिन वाजे ही है। इसलिए एनआईए इसकी जाँच के लिए फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस टेक्नोलॉजी की मदद लेने वाली है।
यानी इसकी कद काठी, चलने का तरीका, जिस्म की बनावट की तुलना की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पूरा शक है कि जिस पीपीई किट को पहनकर सचिन वाजे घूम रहा था, उसे कार में मिले केरोसिन से उसने ही कहीं जला डाला है। एनआईए की एंट्री के बाद सचिन वाजे का पर्दाफाश और फिर उसके आकाओं की तलाश, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल होता नजर आ रहा है। एनआईए को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दे सकता है। जांच एजेंसी अब सचिन वाजे के गॉड फादर को तलाश रही है। एनआईए सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि महज एक एपीआई स्तर का कर्मचारी जो है वो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं रच सकता, बल्कि इसमें कई और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो लोग कौन है? आखिर सचिन वाजे का गॉड फादर कौन है? किसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रची? कौन मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को बनाया और उसको इस तरह से अंजाम दिया गया? सीआईयू के कुल जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का बयान लिया गया है। कई लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही है कि गॉड फादर कौन है, मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, उसकी तलाश की जा रही है। ये सवाल जांच एजेंसियों को भी हैरान करने वाले हैं। क्या सचिन वाजे ने खुद रखी थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार? क्या खुद वाजे ने लिखी थी अंबानी परिवार को धमकी भरी चिट्ठी? और अब एक और सवाल जुड़ गया है कि आखिर सचिन वाजे के पास मर्सिडीज जैसी महंगी कार कहां से आई? एनआईए बार बार कह रही है कि मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे इस साजिश का अकेला सूत्रधार नहीं हो सकता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।